F-35 विमानों द्वारा जिस तरह से इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने को टारगेट किया था और निशाने को बड़े शानदार तरीके से अंजाम दिया था, वो मिसाइल अब भारत को मिल गई है। उस सुपरसोनिक मिसाइल की खासियत ये है कि वो हवा से जमीन पर अपने टारगेट को बहुत शानदार तरीके से ध्वस्त कर देती है बिना निशाना। वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देने वाली मिसाइलों से लैस हो गए अब भारत के लड़ाकू विमान। सुपरसोनिक गति से मार कर सकती है रैम्पेज। वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देने वाली रैम्पेज मिसाइलों को भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। सुपरसोनिक या आवाज से अधिक गति वाली ये रैम्पेज मिसाइल 250 किलोमीटर तक लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम। हमारे रक्षा सूत्रों ने बताया है कि इस मिसाइल को वायुसेना ने सुखोई 30 MKI और मिग 29 जगुआर लड़ाकू विमानों को रैम्पेज मिसाइल से लैस कर दिया। आप सबको पता होगा कि चीन के साथ किस तरह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चीन के साथ सीमा पर तनाव के मद्देनजर भारत अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। स्वदेश में रक्षा उपकरण बनाने के साथ ही मित्र देशों से अत्याधुनिक मिसाइलें और सैन्य उपकरण खरीद कर भी लड़ाकू विमानों के बेड़े की मारक क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसी सिलसिले में आगे वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देने वाली रैम्पेज मिसाइलों को भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। ये जो मिसाइल है ये 250 किलोमीटर तक के लक्ष्य को बहुत आसानी से ध्वस्त कर देती है। सुपरसोनिक यानी कि आवाज की गति से भी तेज चलने वाली रैम्पेज मिसाइल 250 किलोमीटर तक के लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है। हमारे रक्षा सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि वायुसेना ने सुखोई 30 MKI और मिग 29 जगुआर लड़ाकू विमानों को रैम्पेज मिसाइलों से लैस किया है। नौसेना ने मिग 29 के नौसैनिक लड़ाकू विमानों के लिए मिसाइलों को अपने बेड़े में भी शामिल किया है। वायुसेना अब इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रैम्पेज को बनाया जा सकता। सुखोई 30 MKI विमान जो है वो वायु अड्डे है यानी जो सैन्य वायु अड्डे हैं वहां से उड़ान भरते हैं और जो मिग 29 है उनको समुद्र से यानी कि युद्ध विमान वाहक पोत से उड़ाया जाता है। ये हल्के विमान होते हैं और इनमें भी रैम्पेज मिसाइल लगा दी गई है। तो अब भारत दोनों जगह से जल और थल दोनों जगह से उड़ान भर के हमारे जो फाइटर जेट है वो जाकर हमला कर सकते हैं इन मिसाइलों से। वैसे हमारे जो सुखोई 30 MKI युद्ध विमान है उनमें ब्रह्मोस पहले से ही लगी हुई है लेकिन अब कुछ में ये मिसाइल रैम्पेज शामिल कर ली गई है। इससे होगा क्या कि लड़ाकू विमानों की जो मारक क्षमता है वो बहुत तेज हो जाएगी। हवा से जमीन पर मार करने वाली रैम्पेज मिसाइलों के शामिल होने से भारतीय लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता और बढ़ गई है। 2019 में बालाकोट हवाई हमले में इस्तेमाल की गई स्पाइस 2000 की तुलना में यह मिसाइल अधिक दूरी तक मार कर सकती है। हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल के रूप में जानी जाने वाली रैम्पेज मिसाइल को इजराइल ने विकसित किया है। अब दोस्तों अपनी सीमा में रहते हुए भी हम अपने फाइटर जेट से पाकिस्तान जैसे देश के अंदर अगर हमें किसी टेररिस्ट कैंप को नष्ट करना है तो वो हम अपने देश की सीमा से ही नष्ट कर सकते हैं इन मिसाइलों के द्वारा और वो सीधा टारगेट को चुनेगा जिससे आसपास कोई भी नुकसान नहीं होगा आम लोग। अभी जो इसराइल ने ईरानी ठिकाने को निशाना बनाया था वो इन्हीं मिसाइलों ने कहर बरपाया था। वो इसराइल ने हाल ही में इसी मिसाइल से ईरानी ठिकानों पर कहर बरपाया था। यह मिसाइल सटीक लक्ष्य भेदन के लिए उड़ान के मध्य में रास्ता बदलने में सक्षम है। सभी मौसम में इसका उपयोग किया जा सकता है। 2020 में चीन के साथ गतिरोध के बाद रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को महत्वपूर्ण हथियारों और उपकरणों से लैस करने के लिए आपातकालीन शक्तियां दी थी। इसी के तहत इन मिसाइलों को खरीदा गया।